हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरके टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को बताने गीजर के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि इस समय गीजर एक ड्रम में बन रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ड्रम मंगाया गया। इस ड्रम में कैसे बनाया जाएगा इसको सब कुछ कंप्लीट इस वीडियो में बताएंगे, दिखाएंगे। तो बिल्कुल आसान है इसे ड्रम में बनाना होता है। उसके लिए हमें एक हीटिंग एलिमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। जैसा कि आप ये देख सकते हैं 2000 वाट का एक हीटिंग एलिमेंट है। उसके साथ साथ एक टोटी लगती है। टोटी लगने के बाद इसमें एक 3 पिन टॉप लगाया जाता है, जिससे लाइट की सप्लाई को दिया जाता है। इसमें डायरेक्ट एसी लाइट की सप्लाई को दिया जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे इसमें वायर है। इस वायर से इसका कनेक्शन किया जाता है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ इसको पहले हम क्या कर रहे हैं, इस ड्रम को यहाँ पे देख, यहाँ से पहले से होल कर दिया गया है। तो इसमें पहले होल किया जाता है एक टोटी के लिए और एक हीटिंग एलिमेंट के लिए। तो एक हीटिंग एलिमेंट के लिए यहाँ पे हीटिंग एलिमेंट जब भी रहेगा टोटी से नीचे की तरफ रहेगा, ताकि यह हमेशा पानी में डूबा रहे। अगर यह डायरेक्ट इसको चला दिया जाएगा तो हीटिंग एलिमेंट खराब हो जाएगा। इसलिए इसको क्या किया जाता है, इसको हमेशा नीचे की तरफ लगाया जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको पूरा कंप्लीट आपको लगा के बताएंगे कि कैसे यह ड्रम बनता है, कैसे इस गीजर को बनाया जाता है जिससे पानी को गर्म किया जाता है। तो पूरा कंप्लीट इस वीडियो में देखते रहेगा लास्ट तक। तो हम क्या करेंगे, अब इसकी हम फिटिंग करेंगे। पहले से इस ड्रम को इसको पाइप में होल कर दिया गया है। होल करना बिल्कुल आसान है, आप किसी भी तरीके से आपको यहाँ से होल करना है। जो भी ड्रम है इसको हमें क्या करना है, इसके ऊपर का पहले कैप को खोल लेना है और इसकी साइज़ को हमें क्या करना है, इसको लगाना है। तो बिल्कुल आसान है। और इसमें आप देखेंगे तो इसमें डायरेक्ट न्यूट्रल और फेस की सप्लाई को देना है, बाकी कुछ भी करेक्शन नहीं है। आप एक में न्यूट्रल और एक में फेस, किसी में भी न्यूट्रल और किसी में फेस दे सकते हैं। डायरेक्ट लाइट की सप्लाई से यह चलता है। अब हम क्या करेंगे, इसकी फिटिंग करेंगे। तो इसकी फिटिंग करने के लिए पहले इसके ऊपर का जो पीतल का एक कवर, इसको खोल लेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक वार्सल है जिससे पानी लीकेज ना हो। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे ड्रम के अंदर हाथ को डालकर उसके बाद यहाँ से इस हीटिंग एलिमेंट को हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको लगा देंगे। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल आसान है, कोई भी कर सकता है, एक छोटा सा लड़का भी कर सकता है। अगर यहाँ देख ले, बिल्कुल आसान है, बस पाइप को काट के इसको लगाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके बाद धीरे धीरे इसको घुमाना है। उसके बाद इस वार्सल को लगा देना, ताकि लीकेज की संभावना रहे, पानी बाहर ना गिरे। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके ऊपर का एक कवर कैप लगा देंगे। कैप लगाने के बाद इसको अच्छे तरीके से टाइट कर देंगे। यहाँ पे इसको क्या करेंगे, अच्छे तरीके से इसको टाइट कर देंगे, ताकि पानी बाहर लीकेज ना करे। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें लाइट की सप्लाई देंगे। लाइट की सप्लाई देने के लिए हमें क्या करेंगे, पहले न्यूट्रल और फेस के वायरों को जोड़ते हैं। न्यूट्रल और फेस के वायर को किसी भी वायर में आप जोड़ सकते हैं। जोड़ने से पहले हम क्या करेंगे, इस कैप के अंदर दोनों वायरों को डाल देंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इस कैप पे लिखा भी रहता 220 AC सप्लाई, 200 मेड इन इंडिया, इस कवर पे लिखा भी है। तो हमें क्या करना, 220 AC सप्लाई देना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर इस वायर को डाल देंगे। डालने के बाद इसमें हम क्या करेंगे, इसको बहुत बढ़िया तरीके से टाइट कर देंगे, ताकि यह स्पार्क ना करे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको अच्छे तरीके से, इसको बनाने में मात्र 10 से 15 मिनट लगेगा। और आप इसको घर पर ही बना सकते हैं। एक ड्रम ले लीजिए, एक हीटिंग एलिमेंट ले लीजिए, वायर ले लीजिए और एक टोटी ले लीजिए, जिससे पानी को निकाला जाएगा। तो लगा के आप अपने से बना सकते हैं और अपना पैसा भी बचा सकते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसको लगाने का सब बिल्कुल आसान तरीका है। अगर यह बिगड़ जाए तब भी इसको आप आसानी से बना सकते हैं। हो सकता है इस हीटिंग एलिमेंट खराब हो जाए, तो हम क्या करेंगे, हीटिंग एलिमेंट को, तो उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने क्या करें, यहाँ पे इसको अच्छे तरीके से न्यूट्रल और फेस की सप्लाई के लिए हमने इसको जोड़ दिया। अब दूसरे वाले वायर को हम क्या करेंगे, दूसरे वाले वायर को भी हम क्या करेंगे, यहाँ से स्क्रू से टाइट कर देंगे। अब टाइट करने के बाद इसके ऊपर का जो कैप है, इसको भी हम क्या करेंगे, इसको लगा देंगे। और वायर को इतना अच्छे तरीके से टाइट करेंगे, ताकि यह स्पार्क ना करे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ताकि यह स्पार्क ना करे, यहाँ पे दोनों तारों को, दोनों वायरों को अच्छे तरीके से जोड़ दिया गया है। जोड़ने के बाद इसको क्या करेंगे, अब इसके ऊपर का जो कैप है उसको लगा देंगे, ताकि या कि कोई इसको टच ना करे, किसी को करंट ना लगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको अच्छे तरीके से नट बोल्ट से टाइट कर देंगे। तो यहाँ से अब लाइट मारने की संभावना कम हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, उसके बाद आप देख सकते हैं, यह ड्रम है, हमेशा पानी जो होता है इस जो हीटिंग एलिमेंट में डूबा रहे, अगर इसको डायरेक्ट चला देंगे तो यह खराब हो जाएगा। इसलिए इसकी टोटी इस ड्रम से आप देख सकते हैं, यहाँ से जो लकीर है और इस ड्रम से बहुत बिल्कुल नीचे है। तो यहाँ पे जो
यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो होल है टोटी एकदम लकीर के एकदम सट के ही है। तो क्यों? क्योंकि यह टोटी हमारे ऊपर रहेगी, जो हमारा हीटिंग एलिमेंट है पानी में हमेशा डूबा रहे। अब ये क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हैं इसमें दो वार्सल लगे हैं रबड़ के, जो वार्सल है जिससे पानी गिरे ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक रबड़ को अंदर की तरफ लगाएंगे और यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पे इसको क्या करना है, ऐसे हल्का हल्का टाइट कर देना है। अब टाइट करने के बाद हम क्या करेंगे, उसके अंदर से भी इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको इसके अंदर से भी हम क्या करेंगे, इसको टाइट कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल आसान तरीका है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ बहुत आसानी से लग भी गया है। उसके बाद यहाँ आप देखेंगे यह जो हीटिंग एलिमेंट है यह भी लगा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको अच्छे तरीके से टाइट करने के बाद यहाँ पे टोटी को लगा देंगे। तो ये लगाने के बाद हमारा जो इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं वार्सल भी इसके अंदर लगाएंगे ताकि लीकेज की संभावना ना रहे। हमने क्या किया, यहाँ पे लगाने के बाद इसको अच्छे तरीके से टाइट कर देंगे। तो इस तरह यह जो पानी गर्म करने वाला टैंक है यह पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ये गीजर जो कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, फुल टाइट कर देंगे। फुल टाइट करने के बाद इसको अच्छे तरीके से यहाँ पे इसको छोड़ देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यह पूरा कंप्लीट हो चुका है, बहुत कुछ करना नहीं है, बस इस ड्रम को होल करने के बाद इसको क्या करना है, एक हीटिंग एलिमेंट लगा देना और एक टोटी लगा देना है ताकि जो भी पानी रहे अब यहाँ से गर्म पानी यहाँ से निकलता रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके ऊपर का एक कवर भी होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक कवर है, इस कवर को भी लगा दिया जाता है ताकि इसके अंदर धूल मिट्टी ना जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग ये जो वायर है, ये वायर 1.5 mm का कम से कम वायर लगाना चाहिए। तो इसके बाद यहाँ पे हम एक थ्री पिन टॉप लगाएंगे। ये थ्री पिन टॉप आप देख सकते हैं या ए बी एसी सप्लाई से कार्य करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं थ्री पिन टॉप को लगा देंगे ताकि जिससे लाइट के सप्लाई को दिया जाए। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं थ्री पिन टॉप में अच्छे तरीके से न्यूट्रल और फेस की सप्लाई दे देंगे और इसके कैप को लगा देंगे और यह कंप्लीट हो जाएगा, या गीजर कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह यह गीजर बनता है, या जो ड्रम है, इस ड्रम को आप पानी गर्म करने के लिए बना सकते हैं। एक हीटिंग एलिमेंट लगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 2000 वाट का एक टोटी लगी है। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा ताकि कोई जो भी बनाना चाहेंगे वो आसानी से बना सकते हो। ओके, थैंक यू वेरी मच।